कि आप भी मंच पर आए। अब एक समर्थित चिन्ह हमारे फतेहपुर के प्रथम नागरिक जी। हाँ सर, सुनील जी से निवेदन करूंगा, कृपया सुनील जी आप आइए। जो दोनों प्रकार के प्रवेश द्वारों का निर्माण करेंगे उसके मुख्य शिल्पकार भी है वो, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर हमारे विधायक महोदय का स्वागत सत्कार करेंगे। एक बार उसको भी डिस्प्ले कर दिखला दीजिए। हाँ, एक बार पुनः इनकी ठीक है। बालाजी के पास का प्रवेश द्वार का डिजाइन करके मात्र ये केवल मात्र ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा आगे की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। बजाज और भरतिया परिवार का भी फतेहपुर की धरती पर फतेहपुर के प्रथम नागरिक होने के नाते विधायक महोदय उनका स्वागत करेंगे। और हमारे शिल्पीकार इब्राहिम जी वो भी मतलब पहले तो फतेहपुर की जनता के द्वारा फतेहपुर के प्रथम नागरिक के द्वारा आपका स्वागत और सत्कार है। अब इब्राहिम जी के पुत्र के द्वारा वो अपने विधायक साहब को श्रीमान इब्राहिम जी द्वारा ये एक सम्मति चिन्ह आप पप्पू जी और माननीय विधायक महोदय ने विस्तार पूर्वक सारी चीज समझाई बताई किस प्रकार रामेश्वर लाल तालुकारी बजाज ट्रस्ट काम कर रहा है। भामाशाह सज्जन जी बजाज और पप्पू जी बजाज प्रवीण बजाज जी के नेतृत्व में फतेहपुर, मुझे तो गर्व होता है यहाँ आकर के, और जब यहाँ आके सम्मान मिलता है फतेहपुर में तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सम्मान कहीं नहीं हो सकता है। अपनी मातृभूमि में अगर सम्मान मिलता है तो सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, और यदि यहाँ के प्रथम नागरिक के हाथों हो तो और भी अच्छा लगता है। हालांकि आकम खान जी 12 महीने संपर्क में रहते हैं, कोई भी ग्रीटिंग कार्ड हो कुछ भी हो, इनके पुत्र इमरान खान जी वो भी हमेशा संपर्क में रहते हैं। लेकिन इन सबको जोड़ने की कड़ी सज्जन जी बजाज, जिन्होंने वापस से भामाशाहों की ये परंपरा को वापस शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिनेश जी पारी की ठीक ही कहा कि जुड़वाने वाला भी चाहिए, ये हकम खान जी का करिश्मा है जिन्होंने उद्योगपति को वापस टालने की चेष्टा की फतेहपुर की तरफ। और आज देखते हैं फतेहपुर में जब से हकम खान जी वापस MLA बने हैं उससे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि फतेहपुर शेखावट का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था आज भी उतना नहीं है, क्योंकि फतेहपुर आप लोग सब जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र से झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, नाम फतेहपुर है, उससे थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। लेकिन ऐसे भामाशाह अपने साथ हैं और तो आगे बहुत ही अच्छा काम होते रहेंगे। हकम खान जी के साथ हम लोग सबको ही हैं, जब भी दरकार पड़े मातृभूमि के लिए सबके सब हम लोग तैयार हैं। जैसे भी जय हिंद जय भारत।
भी सदन, सदन की बाजार, उनकी धर्मपत्नी मैडम आवी जी और वेस्ट बंगाल से विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे फतेहपुर का नाम, शेखावाटी का नाम वेस्ट बंगाल की विधानसभा के अंदर दर्ज कराने वाले पूर्व विधायक बड़े भाई मेरे सामान्य दिनेश जी बजाज साहब, धर्मपत्नी मैडम परवीन जी बजाज, तो सदन जी बजाज के साथ एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे अपना पप्पू जी बजाज कटनी से, SDM महोदया चेयरमैन नगर पालिका फतेहपुर म्युनिसिपैलिटी मछली, चेयरमैन रामगढ़ खुदाराम जी चोला, हमारे यहाँ के डिप्टी साहब राजेश जी विद्यार्थी साहब, कोतवाल साहब उदय सिंह जी, रामगढ़ SHO साहब सुरेश भाई जी, प्रत्या जी और सम्मानित मंच, और मैं समझता हूँ पूरा ये मंच ही हम सब एक साथ बैठे हैं, सब पूरे शुभ दिन है। हमें एक ऐसी चीज फतेहपुर की जनता को समर्पित की है रामेश्वर लाल तारादेवी बजाज ट्रस्ट ने, जिसकी कुछ दिन पहले आपको सोने की ईंट मिल सकती थी लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल सकता था। वो चीज जैसे कहते हैं कि हवा भी नहीं मिलती थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन जी को कि उस टाइम हम बहुत परेशान थे, पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि फतेहपुर की जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दी जाए, बचाया जा सके। बहुत भयंकर दौर गुजर रहा था, संकट की घड़ी थी। SDM साहब, डिप्टी साहब, BDO साहब, तहसीलदार जी सारे हम ऑफिस में बैठे थे कि हम कैसे ऑक्सीजन लाएं, कहाँ से लाएं। मेरे मन में आया कि क्यों ना सदन जी बजाज को मैं याद करूँ, तो मैं इन सबके सामने मैंने कहा मैं फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ देखें हमें क्या आश्वासन मिलता है, क्या जवाब मिलता है। मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या हाल है आपके, क्या यार हाल तो ठीक नहीं है, पूरे देश में कोरोना कहर मचा रखी है, आपसे एक उम्मीद है हमें, क्या बोलो। मैंने इनको कहा ऑक्सीजन की बहुत भयंकर स्थिति खराब है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, अगर आपका आशीर्वाद हो जाए आप मेहरबानी। मेरी बात को आगे बढ़ाने के बगैर बोला रुक रुक मैं बताता हूँ ऑक्सीजन प्लांट कहाँ मिलता है, क्या कहाँ से ला सकते हो, अगर आपको कल मिलता है तो कल लगाओ, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें भी पता नहीं था कि ऑक्सीजन प्लांट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मगर भाई साहब मेरे को पता नहीं है, मैं भी पता करता हूँ, आप भी पता करो। दिन रात लग करके इधर उधर फ़ोन करते थे, रात को भी फ़ोन करते थे कि अभी चाइना बात हुई है, अभी बॉम्बे बात हुई है, ऐसे इन्होंने लंदन दुबई तक और जर्मन तक बात की। फिर उन्होंने कहा ऑक्सीजन प्लांट आने में तो टाइम लगेगा क्योंकि हर तरफ ऑक्सीजन प्लांट की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए जो रॉ मटेरियल है इसका वो मिलना बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कम हो गया, इसलिए हम कंसल्टेंट खरीद खरीद के आपको भेज रहे हैं। सदन जी बजाज को और पूरे इसकी टीम को मिल जाएगा। इसके साथ साथ चाहे कलकत्ते में हो, सूरत में हो, बॉम्बे में हो, कहीं भी हो, सबको ज्यों ज्यों इस बात का पता चला कि राजस्थान में बहुत बड़ा संकट है ऑक्सीजन का, तो सब ने एक से एक आगे बढ़ करके, और जो जिसके पास किसी के पास कंसल्टेटर मशीन थी उसने कंसल्टेटर मशीन भेज दी, जिसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर था उसने ऑक्सीजन का सिलेंडर भेज दिया, ऐसे जिसके पास रेगुलेटर थे वो रेगुलेटर भी भेजेंगे, ये भी काम आएंगे। तो सारे फतेहपुर के जो यहाँ से हमारे सेठ साहूकार गए हुए हैं, इन सब ने फतेहपुर का ध्यान रखा, तो हम कुछ रिलीफ महसूस आज उसका लाभ जनता को मिल रहा है। लोग गरीब लोग वहाँ जाके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी करा रहे हैं, तो ये आप एक सरकारी हॉस्पिटल की तरह हो गया कि लाभ जनता को मिलेगा। इसके साथ साथ कहा कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसका जो सिलेंडर भरेंगे वो धानुका हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें फ्री, कोई पैसा नहीं। और प्राइवेट डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाएंगे उनके पास 50% आप चार्ज लगा दो, 50% जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो करेगा। मानो बाहर अगर 200 मिलता है तो ये 100 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर भर के देंगे। कोई बहुत सारे पेशेंट मेरे ख्याल ऐसे भी हैं कि जो बुजुर्ग हैं सांस लेने में उनको तकलीफ है, उसमें कोई लेके जाता है उसका चार्ज देना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है।
मैं फतेहपुर की जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बहुत पुण्य का काम किया। फिर मैंने इनको दो काम बता दिए कि भाई साहब अगर कर रहे हो तो फतेहपुर में जब हम दोनों तरफ से आते हैं, चूरू से और थाने की तरफ से जब अंदर आते हैं तो हर शहर में जाते हैं तो एक द्वार बना हुआ था, इस द्वार के नीचे से जाते हैं फला शहर आ गया, तो क्यों ना हमारे शहर में भी दो द्वार बनाए जाएँ। ओके डन। एक द्वार थाने के सामने, हम उधर से एंट्री होते हैं, वहाँ बहुत अच्छे भव्य द्वार बनाया जाएगा, उसका भी आज शिलान्यास है, भूमि पूजन है। एक जो दो जंटी बालाजी से हम अंदर आते हैं तो उन्होंने कहा परमिशन नहीं मिल रही है गेट की, बोलो वो काम कोई दिक्कत नहीं, सब मिल जाएगी परमिशन, परमिशन वगैरह सब मिल गई है और आज उसका भूमि पूजन है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। पुलिस प्रशासन में सभी को हम लोग को कहना पड़ता है विधायक जी 3 बज गया, मतलब ऐसे आपके लाडले लोकप्रिय मंच पर मौजूद हमारे क्षेत्रीय विधायक और सज्जन जी बजाज साहब, सम्मानित मंच सामने बैठे सभी पार्षद और बुजुर्गों, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज ये तारा देवी ट्रस्ट द्वारा जो ये प्लांट लगाया गया है, इसका हमें फतेहपुर की जनता को बहुत फायदा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां जो है इस बजाज समूह को याद करेगी। इस मौके पर यहाँ उपस्थित सभी जो सज्जन लोग यहाँ हैं उनका फतेहपुर की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। आज फतेहपुर की जनता के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज की ओर से, भाई मेरे बड़े भाई सज्जन जी बजाज और उनकी धर्मपत्नी उनके पूरे परिवार की ओर से फतेहपुर की जनता को एक ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन तैयार करके और सिलेंडरों में भर के और हॉस्पिटलों में दिया जाएगा, उसका आज लोकार्पण किया और फतेहपुर की जनता को समर्पित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फतेहपुर की गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसको ये सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा और फतेहपुर के अंदर जो घरों में जो लोग रह रहे हैं, घरों में बुजुर्ग लोग जो रह करके ऑक्सीजन लेते हैं उनको भी निःशुल्क दिया जाएगा। कॉमर्शियल यूज के लिए अगर कोई लेता है तो उसका भी कुछ चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है, 50% चार्ज इसका लिया जाएगा जो बाहर मिलता है उससे। तो मैं समझता हूँ जब इससे बड़ा कोई पुणे का कोई काम नहीं हो सकता। फतेहपुर की जनता सौभाग्यशाली है कि ऐसे नाम के भी सज्जन और काम के भी सज्जन, दोनों सज्जन ऐसे आदमी हमें मिले। ये बुजुर्ग उनके पूरे परिवार को, भामाशाहों को धन्यवाद देता हूँ फतेहपुर की जनता की ओर से और आभार व्यक्त करता हूँ कि फतेहपुर की जनता की इन्होंने इतनी फिक्र की। पारिक जी